ओके तो आज के लेक्चर के अंदर डीसीओ में हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि माइक्रो प्रोग्रामिंग तो था ही, माइक्रो प्रोसेसिंग भी था। माइक्रो प्रोसेसिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ अलग अलग तरीके की जो मल्टी टास्किंग थी, मल्टी थ्रेडिंग थी, ठीक है, और माइक्रो प्रोग्रामिंग भी और मल्टी प्रोग्रामिंग भी वहाँ पर थी, ठीक है। तो वह सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग की, और मतलब वो सीपीयू उसको किस तरीके से, सीपीयू और ओएस किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं जो भी हम टास्क देते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ना है कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, ठीक है, तो एक अलग वे बताया गया है जिसकी मदद से माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से क्या होता है कि आपकी जो भी डिजाइनिंग होती है, जो भी हार्डवेयर की डिजाइनिंग होती है, उसको चेंजेस करने का एक नया टाइप्स है, ठीक है। उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो हार्डवेयरिंग रहता है, हार्डवेयर के अंदर जो भी हमारा ऑपकोड रहता है, ठीक है, बसेस रहती है, तो उसको हम किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हार्डवेयर को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हमें उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में माइक्रो प्रोग्रामिंग VLSI सब्जेक्ट आया है, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि उसकी हार्डवेयर के अंदर माइक्रो जो हमारा मदरबोर्ड है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। और अभी भी जो हमारा मदरबोर्ड है वो हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है, मतलब एक फ्लैट प्लेट होती है जिसके अंदर हम सारी इंस्ट्रक्शन या बसेस रखते हैं। अब अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो भी हम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपकी हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, उसको आप एक 2D या 3D डायमेंशन में दे सकते हो या 4D में भी दे सकते हो, ठीक है। तो उस तरीके के हार्डवेयर डेवलप किए जाते हैं, तो उसके मुताबिक हमें उसका प्रोग्रामिंग भी करना होता है। उसके हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें उसकी कोडिंग करनी होती है, तो उसको यहाँ पे माइक्रो प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ठीक है। तो नया वे ट्रेंड आया है जिसकी मदद से हार्डवेयर में चेंजेस अब हो रहे हैं। जो भी हमारे पुराने कंप्यूटर के अंदर फ्लैट थे, ठीक है, हार्डवेयर ओरिजोनटली या वर्टिकली थे, उसको अब 4D के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसके अंदर जो भी हार्डवेयर के अंदर कोडिंग करनी है उसके लिए हम प्रोग्रामिंग, माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि नए ट्रेंड के अंदर कौन कौन सी माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ है, उसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है, उसके हमारा जो पुराना हार्डवेयर है और नया हार्डवेयर है उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हमारे पास है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो पहले तो समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोग्रामिंग होती क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग इज प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ माइक्रो कोड फॉर माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर माइक्रो कोड के फॉर्म में कोडिंग की जाती है, ठीक है, मतलब एक नया अलग से ट्रेंड है। माइक्रो कोड इज अ लो लेवल कोड, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि माइक्रो कोड इज अ लो लेवल कोड दैट डिफाइन हाउ माइक्रो प्रोसेसर शुड फंक्शन। मतलब उसके अंदर जो फंक्शनलिटी दी गई है वो माइक्रो कोड के जो लो लेवल का कोड है उसको किस तरीके से फंक्शनलिटी अप्लाई करने वाला है, और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी दी है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन इट एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। मतलब हमने जो लो लेवल कोडिंग की है, ठीक है, वो लो लेवल कोडिंग के मुताबिक माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उस लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है, तो उसे यहाँ पे माइक्रो प्रोग्रामिंग कहा जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि टिपिकली वन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट इंटू सेवरल माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो हमारी एक मशीन लैंग्वेज है वो उसको क्या करती है कि बहुत सारे तरीके के माइक्रो कोड के इंस्ट्रक्शन के अंदर उसे कन्वर्ट कर देती है, जो नया ट्रेंड है उसके अंदर, ठीक है। अभी हमारे पुराने जो भी हार्डवेयर है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मशीन लैंग्वेज, मतलब जो भी हम हाई लेवल कोड देते हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज देते हैं, वो सारी एक ही मशीन लैंग्वेज के अंदर ही कोड होता है। मतलब उसके पास एक ही तरीके का कोड है जिसकी मदद से क्या होता है कि वो मैं सीपीयू उसके हिसाब से प्रोसेस करके मुझे हमें उसका आंसर या उसका आउटपुट हमें देता है। पर अभी का जो माइक्रो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर आप बना रहे हो उसके अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको अलग अलग तरीके के माइक्रो कोड के अंदर वो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन सम कंप्यूटर द माइक्रो कोड इज स्टोर्ड इन अ रोम एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं
उसको कंप्यूटर क्या करता है कि माइक्रो कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है और ऑटोमेटिकली रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी के अंदर रख देता है, स्टोर कर देता है, और उसको बाद में चेंजेस भी नहीं करने देता। ठीक है, तो ये सारा माइक्रो कोड की क्या होगी, एक फंक्शनलिटी होगी, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के वो हमें एक इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए उस तरीके से उस वो फंक्शन या फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि द टर्म माइक्रो प्रोग्राम इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग डिजिटल कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट टू एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल वर्ड्स कॉल्ड माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है कि माइक्रो प्रोग्रामिंग की वजह से हमारी जो डिजाइनिंग की टेक्निक थी डिजिटल कंप्यूटर को, जो भी हम डिजाइन करते थे उसके हार्डवेयर को, ठीक है, उसको एक अलग तरीके से मॉडिफाई किया गया। मतलब जो हमारा जो सीपीयू रहता है उसके अंदर हम किसी भी तरीके की चेंजेस नहीं कर सकते, पर उसके जो हार्डवेयर रहते हैं उसके अंदर हम डिजाइनिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। जो भी डिजाइनिंग चेंज हो रही है, ठीक है, उस वर्ड को यहाँ पे कहा जाता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मतलब हमने एक पूरा प्रोग्राम उसको दे दिया है, ठीक है, बना दिया, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट रहते हैं जो इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में पास होते हैं, उसे यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी स्मॉल यूनिट रहते हैं सीपीयू के अलावा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट के अलावा, उसके सब हमें बाकी सबको हम यहाँ पे बोलने वाले हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूजुअली किस तरीके से वर्क हो करता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली स्टोर्ड इन सेपरेट कंट्रोल मेमोरी। आगे हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, मल्टी मल्टी प्रोसेसिंग थी, वो क्या करता है कि एक मेन प्रोसेसर रहता है और अलग अलग प्रोसेस को जब भी प्रोसेसर को डेटा देता है कैलकुलेशन करने के लिए, तो साथ में एक सीपीयू और मेमोरी भी देता है। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर यूजुअली स्टोर्ड इन अ सेपरेट कंट्रोल मेमोरी, मतलब अलग अलग मेमोरी के अंदर वो स्टोर रहता है। एंड ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज स्पेसिफाई द मशीन कंट्रोल सिग्नल, मतलब वो क्या करता है कि जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली है उसको स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग कंट्रोल मशीन कंट्रोल यूनिट के अलग अलग सिग्नल वो यूज करता है। ठीक है, और जो भी वो सिग्नल यूज करता है उसे यहाँ पे क्या जाता है, प्रोसेसर की साइकिल कहा जाता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर, 1 मिली सेकंड के अंदर वो हजारों टाइप की साइकिल पास कर दे, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को वो रन करवा सकता है। ठीक है, तो हजारों टाइप की यहाँ पे साइकिल होती है, ठीक है, उसे यहाँ पे प्रोसेसर साइकिल टाइम कहा जाता है उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्रामिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन आ जाती है, इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास सिग्नल, और सिग्नल के अंदर हमारी प्रोसेस साइकिल आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रो प्रोग्रामिंग हमारी क्रिएट होती है। तो ये इसकी टर्म थी माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसको किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या थे कि फीचर, मतलब माइक्रो प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, आगे वो किस तरीके से यूज हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। पहले तो हम उसकी जो फीचर्स रहती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग एक मेथड है, ठीक है, जो जो हमारी कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट के अंदर जितने भी फंक्शंस रहते हैं उसे वो कंट्रोल करता है या फिर अकम्प्लिश मतलब खत्म करता है उस टास्क को। उस टास्क को खत्म करने के लिए वो क्या करता है कि बहुत सारी सीक्वेंसेस होती है रजिस्टर के फॉर्म में, उन सबको लेवल के मुताबिक उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आपको दी हुई कि माइक्रो प्रोग्रामिंग इज अ मेथड ऑफ एकम्प्लिश द कंट्रोल यूनिट फंक्शन, मतलब कंट्रोल यूनिट के अंदर जो भी फंक्शन दिए गए हैं उसको खत्म करने के लिए एक माइक्रो प्रोग्रामिंग दी है। उसको डिस्क्राइब आप किस तरीके से कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो, बाय डिस्क्राइबिंग द स्टेप इन दैट फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लेवल ऑपरेशन। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी कंट्रोल यूनिट के अंदर टास्क हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो फंक्शनलिटी थी दी हुई है उसको डिस्क्राइब करता है, और जो भी उसके अंदर कंट्रोल यूनिट की फंक्शनलिटी है उस फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर लेवल के अंदर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन। इन दिस मेथड ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग कंट्रोल यूनिट, मतलब जब भी हम सीपीयू बनाते हैं, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग और बिल्डिंग इन दिस सेटअप होता है, ठीक है, तब उसके अंदर किस तरीके की प्रोग्रामिंग करनी है वो भी वहाँ पे उस टाइम पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे लिखा है इन एडिशनल मेमोरी
कॉमनली कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम स्टोर कंटेन द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मतलब उस कंट्रोल यूनिट के अंदर और जो भी कंट्रोल यूनिट की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होगा और कितने सीक्वेंस में वो स्टोर होने वाला है और कितने तरीके की सीक्वेंसेस यहाँ पे आने वाली, तो उसको कितने टाइम में वो खत्म करेगा, ठीक है। तो वो सारा मिलके यहाँ पे क्या बनता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन बनता है, ठीक है। फिर एक ही नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑफ ऑर्डिनरी मशीन इंस्ट्रक्शन, मतलब सिंपल मशीन की हिसाब से यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ कैरी किए जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्राम स्टोर शुड बी फास्टर, मतलब माइक्रो प्रोग्राम जो भी हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो माइक्रो प्रोग्राम के अंदर स्टोर होने के लिए बहुत ही फास्ट वे से स्टोर हो सकता है और कम टाइम, मतलब वो जैसे पुराने मशीन के अंदर जितनी साइकिल लेता था टाइम उस फंक्शन को या उस इंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, उससे कम टाइम लेता है और कम साइकिल लेता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी मेमोरी होती है वो क्या होती है कि नॉर्मल मेमोरी से बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोग्रामिंग का और उसके अंदर जो डिजाइनिंग की जाती है हार्डवेयर के मुताबिक वो बहुत ही फास्ट हो जाती है हमारे जो वर्किंग रहती है। तो ये माइक्रो प्रोग्रामिंग की फीचर्स थी, ठीक है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है और इंस्ट्रक्शन सब मिला के वो किस तरीके से स्टोर होता है, तो उसको यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया, उसकी फीचर यहाँ पे बताई गई, भाई वो कम टाइम लेता है, कम साइकिल लेता है, नॉर्मल मेमोरी से, नॉर्मल हार्डवेयर से ज़्यादा डेटा फास्ट वे में स्टोर कर सकता है, ठीक है। और नॉर्मल हार्डवेयर के मुताबिक वो ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोग्रामिंग की फीचर्स थी, आगे हम उसका यूज करने वाले। फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग, मतलब इसकी मदद से आप क्या क्या आगे प्रोमिसिंग कर सकते हो, मतलब क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये एप्लीकेशन होगी माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे लिखा है द रिपोर्ट प्रोमिसिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो पहले तो उन लोगों ने बताया गया है कि हम क्या बना सकते हैं, एम्फेसाइज इज ऑन द वैल्यू ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग एज अ टूल, मतलब इसको हम एज अ एक टूल के तरीके से भी देख सकते हैं। कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी हार्डवेयर उस तरीके से फास्टर वे में वर्क नहीं करता, तब हमें क्या करना पड़ता है, उसकी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर स्मॉल टूल के हिसाब से उसे यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि एम्फेसाइज इज ऑन वैल्यू ऑफ माइक्रो, मतलब माइक्रो प्रोग्रामिंग की अगर वैल्यू बढ़ी तो इस टूल को हम कंप्यूटर के अंदर मॉडिफाई, मतलब हमारे जो आर्किटेक्चर रहता है उसके अंदर हम मॉडिफाई करके माइक्रो प्रोग्रामिंग की जो भी डिवाइसेस रहती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अच्छे बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दी गई, परमिट्स कंप्यूटर यूजर टू मॉडिफाई द आर्किटेक्चर ऑफ जनरल पर्पज मशीन टू बेटर मैच पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम माइक्रो प्रोग्रामिंग के हार्डवेयर को उस आर्किटेक्चर को जनरल पर्पज के यूज में हम उसको यूज कर सकते हैं, मतलब अटैच उसको करवा सकते हैं, मतलब ये उसकी एप्लीकेशन हो गई। मैं इस तरीके से मैं आगे माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कर सकता हूँ किसी भी हार्डवेयर के साथ। फिर एक फैक्टर आर डिस्कस विद अफेक्ट द चॉइस ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग ओवर अ हार्डवेयर, मतलब जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, माइक्रो प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग की अफेक्ट कहाँ पे होगी, उसकी जो आर्किटेक्चर होगी डिजाइनिंग की, ठीक है, हार्डवेयर की, वहाँ पर होगी और उसके मुताबिक हमें सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ताकि हमारी जो माइक्रो हमारा जो मदरबोर्ड है उसकी प्रोसेसर, मतलब सीपीयू की जो प्रोसेस काम करने की जो ताकत है और भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, हमारे हार्डवेयर में भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें उसके अंदर हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंटेशन नया कुछ ऐड करना पड़ सकता है। फिर एक एक्चुअल एंड पोटेंशियल एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन आर गिवन टू इलस्ट्रेट इट्स रिलेवेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उसको हम रियल वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हम यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आगे हमारी जो परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो भी एरर्स थी वो यहाँ से हट सकती है। फिर एक फाइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टास्क आर प्रपोज विच लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, मतलब जो भी हमारी माइक्रो प्रोग्रामिंग की नई टेक्नोलॉजी हो उसको उन लोगों ने रिसर्च किया, डेवलप किया टास्क के आधार पे, और वो जो ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो आगे जाके हमें बेनिफिट्स देने वाली है,
ठीक है, आगे जाके हमें बेनिफिट्स देने वाली है, तो उस तो ये आगे जाके हमें बहुत ही जो भी हमारे इसके अंदर ऑपरेशनल टास्क सिस्टम है वो उसमें अच्छा परफॉर्म देने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है, तो कर सकते हैं। इसलिए हम माइक्रो प्रोग्रामिंग की ये हमारी एप्लीकेशन की आगे हम इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली अभी यूज तो नहीं किया। फिर उसके बाद है कि एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग, मतलब माइक्रो प्रोग्रामिंग को हम कहाँ कहाँ पे यूज करें, मतलब जो भी हमारी रेंडरिंग है, मतलब हम किसी भी तरीके का आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं, जैसे कि हमारा कोई ग्राफिकली प्रोग्राम रहता है तो ग्राफिकली प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शन आता है, मुझे मेमोरी कार्ड भी चाहिए होता है, अच्छा मुझे ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है, फिर उसकी प्रोसेसर है उसकी स्पीड भी अच्छी चाहिए, तभी मुझे वो जितना हम ग्राफिक्स जैसे हमारी एनिमेशन मूवी बनती है उसके अंदर बहुत सारे लोडिंग होते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन रिक्वायरमेंट को हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पे उसके एडवांटेजेस दिए हुए कहाँ कहाँ पे उसको हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, तो मेकिंग मेकिंग चेंज टू हार्डवेयर, मतलब उसके अंदर जो हमारा सीपीयू रहता है उसके अंदर जो हार्डवेयर रहती है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं ग्लोबली, मतलब पूरे का पूरा अगर हमें चेंज करना है माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सर्किट के अंदर भी, सर्किट के अंदर टोटली हम चेंज करेंगे, ठीक है। माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से क्या होता है कि टोटली उसकी जो सीपीयू होती है उसके अंदर पूरे का पूरा चेंज हो जाए, तो हार्डवेयर भी चेंज होगा तो उसकी सॉफ्टवेयर होगी उसके अंदर भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। फिर एक इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जो माइक्रो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है जिसकी मदद से वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है और उसके अंदर बहुत ही टाइम चला जाता है जो भी कॉम्प्लेक्स सिटी है उसको सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसका दिया हुआ है कि कैड कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्दो द प्रेजेंट कैड टूल डू रिड्यूस मोस्ट ऑफ द बर्डन इन द एरिया, मतलब जो भी हमें माइक्रो प्रोग्रामिंग अभी थोड़ी बहुत दी हुई है कैड के अंदर, ठीक है, वो हम यहाँ से इसकी मदद से माइक्रो प्रोग्रामिंग मदद से रिड्यूस उसको कर सकते हैं। फिर है कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट मेकिंग चेंज टू इट जस्ट चेंजिंग द माइक्रो प्रोग्राम द बिट पैटर्न इन द माइक्रो मेमोरी, मतलब हमारी जो बिट पैटर्न रहती है 0101 फॉर्मेट में या हेक्साडेसिमल के अंदर ऑक्टल के अंदर उसके अंदर हम चेंज माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से कर सकते हैं। फिर है कि देर इज अ टूल टू जनरेट दिस बिट, मतलब वहाँ पे एक बिट भी एक टूल भी जनरेट किया गया है जिसकी मदद से बिट जनरेट होते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको किस तरीके से किस बिट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक टूल जनरेट किया गया है जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रहता है, जो माइक्रो प्रोग्राम हम देते हैं, ठीक है, उसको हम टूल की मदद से 0101 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं, उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते पर उसको देख सकते हैं माइक्रो प्रोग्राम की मदद से, और कंपाइल टाइम पे मुझे वही 0101 जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन वही हमें देना है, हम जो हाई लेवल कोडिंग करते हैं वो देना नहीं है डायरेक्ट कंपाइलर को, उसको पहले 0101 में कन्वर्ट करना है बाद में उसको कंपाइलर को देना है, ताकि कंप्यूटर का काम है बहुत ही इजी हो जाता है और इफिशियंटली हमें वो हमारा आउटपुट दे देता है। फिर यहाँ पे कि द सर्किट फॉर कंट्रोल यूनिट डज नॉट चेंज, मतलब सर्किट के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, उसके आज उसके जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि उसकी एड्रेसिंग मोड है उसकी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमें चेंजेस कर सकते हैं और उसको हम इनेबल यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज हो गई माइक्रो प्रोग्रामिंग की, ठीक है। इसके बाद दिस एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो प्रोग्राम रियलाइज ऑन फास्ट माइक्रो मेमोरी, ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम के अंदर रियलाइज मतलब जो भी माइक्रो मेमोरी रहती है, ठीक है, उसको हम वहाँ से फास्ट बहुत ही कम टाइम पे उसको एक्सेस करवा सकते हैं, तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है कि जो भी हमारी मेमोरी के अंदर डेटा रहता है, ठीक है, वो एकदम माइक्रो मेमोरी, तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत ही कॉस्टली और टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। फिर ये कि इट रिक्वायर हाई स्पीड मेमोरी, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए हमें जो भी इसकी मेमोरी है वो हाई स्पीड में होनी चाहिए। इनफैक्ट द आर्किटेक्ट ऑफ अर्ली माइक्रो प्रोग्राम मशीन IBM S360 फैमिली डिपेंड ऑन दिस क्रूशियल टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी पुरानी IBM की S360 फैमिली थी, मतलब जो भी हार्डवेयर थी वो सारी माइक्रो प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंडेंट थी,
और उसके हिसाब से ही उसको डेवलप किया गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि द ब्रेक थ्रू इन अ मेमोरी टेक्नोलॉजी कैम, मतलब मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी एक ब्रेक मिल गया, जिसकी मदद से हमारे मेमोरी में बहुत सारा डेटा एक साथ स्टोर करवा सकते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए भी हम बहुत फास्ट वे से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड S360 बिकम द मोस्ट सक्सेसफुली फैमिली ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज मच फास्टर। फिर एक कि माइक्रो प्रोग्रामिंग इज इनहेरेंटली वेरी लो लेवल, मेकिंग इट हार्ड टू द एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, वो माइक्रो प्रोग्रामिंग की अंदर जो भी हार्डवेयर की कोडिंग थी उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही लो लेवल पे यूज़ होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो हार्डवेयर रहता है, ठीक है, उसको एक्सेस मतलब उसको पूरी तरीके से हम कभी भी एक्सेस नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग इज बाय नेचर कॉन्करेंट, मतलब नेचर के अंदर जिस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है, उसी तरीके से माइक्रो प्रोग्रामिंग में भी हम बहुत सारी प्रोसेस एक साथ करवा सकते हैं। फिर एक कि मैनी इवेंट्स अकर एट सेम टाइम, मतलब बहुत सारे जो इवेंट रहते हैं वो एक ही टाइम पे हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो रहे हैं उसको भी हम माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से अचीव कर सकते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू डेवलप एंड डिबग, मतलब ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरीके की डिज़ाइन और आर्किटेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है, माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो हमारा जो नॉर्मल हार्डवेयर है और माइक्रो प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल नीडेड फॉर द प्रोसेसर यूजिंग लॉजिक सर्किट, मतलब लॉजिक सर्किट की मदद से हमारा जो पुराना हार्डवेयर है उसके अंदर कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है उस प्रोसेस को एक्सेस करने के लिए। जबकि माइक्रो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कंट्रोल सिग्नल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इन, मतलब यहाँ पे हमें माइक्रो इन जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो स्टोर मेमोरी के अंदर डायरेक्टली स्टोर हो जाती है, जबकि यहाँ पे स्टोर करवाने के लिए हार्डवेयर में क्या चाहिए, उसको लॉजिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। फिर एक ही हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज फास्टर व्हेन कंपेयर्ड टू माइक्रो प्रोग्राम, मतलब हार्डवेयर कंट्रोल है वो बहुत ही फास्ट है कंपेयर टू माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, मतलब सीपीयू के अंदर वो बहुत ही फास्ट है एज अ रिक्वायर्ड कंट्रोल है, मतलब जिस तरीके की उसकी फिक्स होती है वैसी तरीके की सिग्नल उसको मिलने वाली है हार्डवेयर को तभी। ठीक है, जब भी फिक्स डेटा उसके पास आता है तभी उस टाइम पे हमारा जो अभी का हार्डवेयर है वो बहुत ही कंट्रोल यूनिट है वो बहुत ही फास्ट वे से हमें डेटा एक्सेस करके देता है। जबकि माइक्रो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि उसको हम डायनेमिकली किसी भी तरीके की सिग्नल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि स्लो हो जाता है उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इसके पास किसी भी तरीके का जो भी डेटा आता है वो फिक्स नहीं होता कि इसी तरीके का आने वाला है। ठीक है, तो उस सिग्नल को पहले अलग अलग माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर वो कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करवाता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए वो स्लो है। फिर एक ही डिफिकल्ट टू मॉडिफाई एज द कंट्रोल सिग्नल डेट नीड टू बी जनरेट एज अ हार्ड वायर, मतलब इसके अंदर हमें बहुत सारी सिग्नल्स देनी पड़ती है, मतलब उसके एक दूसरे के साथ हार्डवेयर को कनेक्शन देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे बहुत ही ईजी है, जो भी हमारा कंट्रोल यूनिट है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे और थोड़े हार्डवेयर ही उसके अंदर अटैच करवाने तो उस तरीके के हार्डवेयर उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके का हार्डवेयर हमने बना दिया है, ठीक है, उसी तरीके का लास्ट तक रहेगा, अगर आपको उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो उसको नया ही बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मॉडिफाई हम नहीं कर सकते। फिर एक कि मोस्ट मोर कॉस्टलियर एज एवरी थिंग हैज़ टू बी रियलाइज इन टर्म ऑफ लॉजिक गेट, मतलब लॉजिक गेट के अंदर जो भी चीज़ हमने बनाई है अभी तक वो सारी की सारी बहुत ही महंगी है। फिर यहाँ पे माइक्रो लेस कॉस्टलियर देन हार्डवेयर कंट्रोल ओनली माइक्रो, माइक्रो इंस्ट्रक्शन की मदद से हमारा जो भी हार्डवेयर है बहुत ही उसका कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद है कि इट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एज अ सर्किट डिजाइन, मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन सर्किट बनाते हैं तब जो भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी इंस्ट्रक्शन को देने के लिए आती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन जब भी हम देते हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है, ठीक है, उसको वो अच्छी तरीके से हार्डवेयर कंट्रोल नहीं कर पाता।
ठीक है, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग तरीके की मिलने वाली है, तो उसी तरीके का हमने हार्डवेयर बनाया होगा, तो ये माइक्रो प्रोग्राम उसको अच्छी तरीके से माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हैंडल कर सकता है। फिर एक ही ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे हम लिमिटेड टाइप की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, जबकि यहाँ पे अनलिमिटेड टाइप की बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिग्नल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कि कंप्यूटर रिड्यूस द इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब जो भी हमारी RISC हमने जो भी आगे पढ़ी थी, ठीक है, उसको यहाँ पे ये हार्डवेयर के अंदर यूज किया जाता है, जबकि माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर, माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे CI मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट को यहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब इस सर्किट का यहाँ पे यूज बहुत ज्यादा होता है। तो एक तौर पे देखा जाए तो माइक्रो प्रोग्राम आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम आगे डेवलप कर सकते हैं कुछ भी चीज़। ठीक है, तो ये थी पूरी माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हमें नया टॉपिक, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, कि माइक्रो प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, फिर अभी के जो हार्डवेयर है और माइक्रो प्रोग्राम अभी आगे आने वाले जो भी हार्डवेयर है उसके अंदर क्या चेंजेस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो। उसके बाद एक नया टॉपिक है हमारे पास कि कंप्यूटर क्लॉक क्या होती है, जो भी हम देखते हैं भी हमारे PC जो भी जब भी बंद भी रहता है, ठीक है, हमारा PC जब बंद रहता है तो भी उसके अंदर जो कंप्यूटर्स की जो टाइमिंग होता है ऑटोमेटिकली चालू ही रहती है, वो कभी बंद नहीं होती, ठीक है, तो ये क्लॉक क्या होती है उसके बारे में हमने छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इन जनरल द क्लॉक रिफर टू द माइक्रोचिप, मतलब जो भी हमारी क्लॉक होती है उसके अंदर एक माइक्रोचिप बिठाई जाती है, ठीक है, दैट रेगुलेट्स, मतलब वो क्या करता है कि जो भी माइक्रोचिप है वो रेगुलेट्स की जाती है, मतलब एक टाइम पे उसे चालू किया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो टाइमिंग और स्पीड है वो कॉन्करेंटली उस फंक्शन के द्वारा चालू ही रहता है। अगर आप PC को बंद भी कर देते हो तो भी उसके अंदर जो रेगुलेट्स जो माइक्रोचिप को आपको ऑन किया है, ठीक है, वो एक ही टाइम पे, मतलब वो कभी भी बंद नहीं था, तो आपका PC के अंदर किसी भी तरीके की कोई वायरस या कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम ना हो तब तक उस क्लॉक के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर इज मेजर्ड इन अ क्लॉक स्पीड, मतलब जो भी कंप्यूटर प्रोसेसर की जो भी स्पीड रहती है वो यहाँ पे क्लॉक स्पीड पे डिपेंडेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं 1 MHz आपको कभी दिया होगा तो उसके अंदर 1 मिलियन साइकिल वेरियर वाइब्रेशन एंड सेकंड्स, ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर इतनी प्रोसेसेस इसके अंदर हो सकती है। अगर मैंने यहाँ पे 2 GHz दे दिया तो यहाँ पे 2 बिलियन साइकल्स और वाइब्रेशन और सेकंड, मतलब 2 बिलियन साइकिल, 2 बिलियन वाइब्रेशन और 2 बिलियन सेकंड्स यहाँ पे वर्क होती है 2 GHz के अंदर। तो आप जब भी प्रोसेसर खरीदने जाते हो तो उसके अंदर आपको लिखा होता है कि 2 GHz, 4 GHz, तो उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया कि साइकिल की वो 1 सेकंड के अंदर कितनी गीगाहर्ट्ज़ लेता है, मतलब कितनी पावर लेगा उसके हिसाब से वो साइकिल को मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब उतनी प्रोसेस वो उतनी ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि क्लॉक एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है, और इसके अंदर जो 1 GHz, 2 GHz, 1 MHz है वो किस तरीके से वर्क होती है, जो भी हमने अभी साइकिल पढ़ी उसी के तौर पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइमिंग, मतलब उसकी जो भी टाइमिंग रहती है, ठीक है, जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्लॉक के अंदर दी जाती है, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क होती है, तो वो भी यहाँ पे दिखाया गया। माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसर, मतलब उसके मदद क्या होता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी क्लॉक हमारी चलती है उसके अंदर वन टाइप ऑफ एक सिक्वेंसर चलता रहता है, जो अलग अलग तरीके के हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से बना रहता है और उसके अंदर वो सिलेक्टेड रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर फॉर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस, मतलब उसको कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलानी है, ठीक है, और जो भी साइकिल उसको मिल रही है, मतलब जो भी साइकिल खत्म हो रही है, तो उसके बाद उसको कौन से एड्रेस पे जाना है और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हो उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो वो सारा कहाँ पे रहता है आपकी माइक्रो इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसर के अंदर सारा कुछ उसका कैलकुलेट होता रहे, मतलब क्यूब में पड़ा रहता है सारा कुछ। फिर एक ही तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन इन कंट्रोल मेमोरी कंटेन्स अ सेट ऑफ बिट्स टू इनिशिएट द माइक्रो ऑपरेशन, मतलब किसी भी तरीके की माइक्रो ऑपरेशन को चालू करने के लिए कंट्रोल
मेमोरी में एक बिट रहता है जो किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन को वो चालू कर सकता है। वो कहाँ पे रहता है? हमारे कंप्यूटर रजिस्टर के अंदर। एंड अदर बिट टू स्पेसिफाई द मेथड बाई विच इंस्ट्रक्शन इज ऑप्टेन, मतलब बाकी जितनी भी हमारी इंस्ट्रक्शन रहती है एड्रेसेस, उसको स्पेसिफाई किया जाता है भाई अभी हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन वर्क, अभी प्रोसेस एक्सिक्यूट हो रही है। तो इस तरीके से सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन को टाइमिंग दी जाती है, एड्रेस किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी टाइमिंग। उसके बाद उसका डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन एंड इस टाइमिंग का माइक डायग्राम किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देता है, क्या दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन कोड दिया गया है, उसके अंदर जो भी हमारे मैपिंग, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को अलग अलग कोड के अंदर डिवाइड किया जाता है, अलग अलग मैपिंग की जाती है, उसके बाद उसको मल्टीप्लेक्सर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारी रजिस्टर क्लॉक चलती है, मतलब उसको कितना टाइम देना है, ठीक है, उस साइकिल को कितना टाइम देना है, और उसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा रहता है तो उसको कहाँ पे स्टोर करवाना है। ठीक है, अगर उसकी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है तो वापस से वो मल्टीप्लेक्सर के पास आएगा, और वापस उसकी जो भी साइकिल रहती है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर कितनी साइकिल चला सकता है वो उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरीके से सारी की सारी जो भी मैंने डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से सारा सारी प्रोसेस इसके अंदर होती रहती है। ठीक है, तो ये टाइमिंग थी, और इंस्ट्रक्शन कहाँ से कहाँ तक जाती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन, वो उसकी प्रोसीजर यहाँ पे इंटरनली दी हुई है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो माइक्रो प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, अगर और ज़्यादा आपको समझना है तो आप नेट पर भी इसको रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।